प्यारे बच्चों नमस्कार। दसवीं कक्षा की विज्ञान के तीसरे चैप्टर धातु एवं अधातु के पांचवें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे तथा इसी टॉपिक पर आधारित एनसीईआरटी बुक में दिए गए प्रश्न उत्तरों को भी हम हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले आयनिक यौगिकों के गुण धर्म पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं। अब देखिए कि आयनिक यौगिक और आयनिक आबंध क्या होते हैं, ये जानने के लिए मैं आपको एक बार फिर से पिछले लेक्चर पर ले जाता हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने धातुओं और अधातुओं के बीच में आबंधों को पढ़ा था कि जैसे धातुएं जो है वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ करके क्या बनाती है, पॉजिटिव आयन बनाती है। जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था कि सोडियम में जो है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और तीसरे में 1। और अब सोडियम क्या करेगा कि अपने आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन, ये मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन अब भी 11 है, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव। यहाँ तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के न्यूट्रल हो गया, ये उदासीन हो गया। और यहाँ से अगर हम देखें तो प्रोटॉन तो भाई 11 है, प्लस के तो 11 है और इलेक्ट्रॉन एक निकल गया इसका, तो नेगेटिव कम रह गया, तो कुल मिलाकर के इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कहने का अर्थ ये है कि जितने भी धातुएं हैं वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके धन आयन बनाने की प्रकृति रखती है। और इसके विपरीत अधातुएं जो है, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन ले लेते हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। परमाणु क्रमांक इसका 17 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 और प्रोटॉनों की संख्या भी 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, टोटल हो गए 10 और तीसरे में हो गए 17, यानी सॉरी 7। कि सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8 8 हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 8 10 और 8 18, जबकि प्रोटॉन इसमें कितने रहे, 17 ही। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा हो गया, तो इस पे एक नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कब आते हैं, जब ये सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अगर अकेला सोडियम पड़ा है तो उस अपने आप इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता वो, और अकेला क्लोरीन पड़ा तो वो भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि जब दोनों क्लोज आते हैं, तब ये जो चीज़ मैंने समझाई है ऐसा होता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव आयन बनाता है। अब देखिए क्या होता है कि जब ये एक धनायन और एक ऋणायन जब आपस में नज़दीक आते हैं तो पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्या करता है, आकर्षित खींचता है ये। और खींचने जैसे ये जो आकर्षण बल है इनके बीच का, धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो आकर्षण बल है, ये तो क्या है, आयनिक आबंध है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या आ गया, आयनिक आबंध आ गया, आबंध। तो आबंध किसको कहते हैं, इनके बीच का जो बल है उसी को आबंध कहते हैं, ठीक है। और आयनों के बीच में आबंध है तो ये क्या हो गया, आयनिक आबंध हो गया। ओके, और इस तरह से जो यौगिक बने
उन यौगिकों को हम कहते हैं आयनिक यौगिक, क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ओके, तो अब हमने इन्हीं आयनिक यौगिकों का गुणधर्म पढ़ना है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आयनिक आबंध जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग आबंध होते हैं और सोडियम और क्लोरीन को टाइटली हेल्ड करके रखते हैं। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्गली बांध के रखते हैं। ओके, अब देखिए कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ने के लिए हम मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि एक तो आयनिक यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है, कि ये ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस होते हैं, इस बात पर विचार करेंगे। और ठोस होते हैं तो किस टाइप के ठोस होते हैं, और इनके गलनांक और क्वथनांक पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा किस चीज में घुल सकते हैं, किस में नहीं घुलते, और विद्युत चालकता, कि विद्युत को अपने अंदर से पास होने देते हैं कि नहीं होने देते, इन बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी भौतिक प्रकृति की। अब देखिए कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि धन आयन और ऋण आयन, इनके बीच में क्या होता है, एक मजबूत आकर्षण होता है, मजबूत आकर्षण बल, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। ओके, अब देखिए कि अगर देखिए अब इसी आकर्षण बल की वजह से ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ये पदार्थ किस अवस्था में मिलेंगे आपको, ठोस अवस्था में मिलेंगे और थोड़े कठोर मिलेंगे। ओके, और आयनिक यौगिक जो है सामान्य तौर पे भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब भुरभुरे से होते हैं। जैसे आपने ये जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का साधारण नमक ही होता है। अब साधारण नमक तो आपने देखा होगा कि जैसे एक तो ये थैलियों में आता है अपना, जैसे अलग अलग कंपनीज का, तो ये तो पिसा हुआ होता है। कभी आपने इसका बड़ा वो साबुत दाना देखा होगा साधारण नमक का, तो देखना आप इसकी बड़ी पैकिंग में आता ही, तो वो आपको स्कूल लैब में भी मिल जाएगा साधारण नमक। तो उसका एक छोटा सा पीस लेकर के देखना, ठोस मिलेगा, कठोर मिलेगा। अगर आप इसको थोड़ा सा दबाओगे तो ये भुरभुरा सा होता, भंगुर होता, टूट जाता है ये। ओके, और दाब लगाओगे तो टुकड़ों में टूट जाएगा। बस इसकी भौतिक प्रकृति में इतना बताना काफ़ी है कि मजबूत आकर्षण बल की वजह से क्या होते हैं, ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, ठीक है, और सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब लगाने पर टूट जाते हैं। ओके, तो आपकी सुविधा के लिए जो है मैंने ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये नोट्स में भी लिख रखी है, और नोट्स जो आप मेरी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे आता है इसका गलनांक और क्वथनांक। अब ऐसे गलनांक और क्वथनांक की एक्चुअल परिभाषा मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जस्ट कंसेप्ट को समझने के लिए मैं इतना बता देता हूँ कि जब इन पदार्थों को हम गर्म करते हैं तो एक विशेष टेम्परेचर पर यह गलित अवस्था में आ जाता है, और वो टेम्परेचर जो इसका गलनांक होता है, ठीक है। और इसी तरह से जब वो जो है गलित अवस्था से किस में आ जाए, गैस अवस्था में आना शुरू कर दे, उस टेम्परेचर को हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको मेल्टिंग पॉइंट और इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का जैसे एक्चुअल डेफिनेशन हम दें तो इस जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए तब जो है इसको हम उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझना है कि ये जब ठोस से द्रव अवस्था में जिस टेम्परेचर पर आ जाए वो गलनांक, और द्रव से फिर गलित अवस्था से गैस अवस्था में जहाँ पर जाना शुरू कर दे वो इसका क्वथनांक होता है।
और अलग अलग आयनिक यौगिकों की अगर हम गलनांक और क्वथनांक देखें तो देखिए सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में अगर आप इसको सोचना चाहें तो इसमें से 273.15 माइनस कर लें तो केल्विन जो है डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। तो सिंपल क्या करना होता है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए केल्विन को उसमें से 273.15 या जनरली 273 ही घटा लीजिए आप, ठीक है, तो वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड का गलनांक देखिए कितना ज़्यादा है, क्वथनांक भी काफ़ी हाई है। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे क्या है आयनिक यौगिक हैं और इनके गलनांक देखिए और क्वथनांक देखिए काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है कि जो जैसे मैंने बताया कि इनके बीच का आकर्षण क्या है, मजबूत है। तो जैसे इसको गलित अवस्था में लेके आएंगे ठोस को, गलित अवस्था में तो बीच का ये आबंध तो तोड़ना पड़ेगा ना, ये आकर्षण बल तो तोड़ना पड़ेगा, और इसको तोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आबंध मजबूत है तो आपको ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये कहेंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। या फिर मैं आपको ये कंसेप्ट बहुत और अच्छी तरह से समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड जो है इसका एक सिरा पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, अब जैसे दूसरा सोडियम क्लोराइड आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में भी क्या है आयनिक एक अंतर आयनिक आबंध जो होता है, आयनों के बीच का जो आबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतर आयनिक आबंध होता है, ठीक। तो वैसे तो हम 10वीं क्लास के लेवल पर सिंपल समझा देते हैं कि आकर्षण बल मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन अंतर आयनिक यानी आयनों के बीच का आबंध जो है वो भी इन्हीं की वजह से जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने सिंपल वही बात लिखनी है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब घुलनशीलता की हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम घुलनशीलता की बात करें, रसायन विज्ञान में जब भी घुलनशीलता की बात करें तो रसायन विज्ञान का एक रूल होता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, इसका मतलब क्या है, डिजोल्व मीन्स होता है घुलना, लाइक मतलब एक जैसा। तो देखिए कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, दो पोल बने हुए हैं, तो इनको कहते हैं पोलर कंपाउंड, ठीक। और जिनमें ऐसे पोल नहीं होते उसको कहते हैं नॉन पोलर, ठीक। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन वो भी इनको समझ लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं है ये, तो हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो मैं इसका दो लाइन में भी काम चला सकता हूँ लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि पोलर पदार्थ कौन से होते हैं और नॉन पोलर पदार्थ कौन से होते हैं। जिसमें इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव पोल बने होते हैं वो पोलर पदार्थ, और जिसमें ऐसे नहीं बने होते हैं नॉन पोलर। उदाहरण के लिए जो पानी है यानी जल जो है वो पोलर है, और आयनिक आयनिक यौगिक जितने भी है वो सारे क्या हैं, पोलर हैं। जबकि नॉन पोलर में क्या आ जाता है, केरोसिन आ जाता है, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोल आ जाता है, और बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं। लेकिन अब मैं इस बात को समझाता हूँ कि लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब क्या होता है। लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब है कि पोलर पदार्थ पोलरों में घुलेंगे और नॉन पोलर पदार्थ नॉन पोलरों में ही घुलेंगे। ओके, पोलर पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर के अंदर घुलेंगे। तो इस हिसाब से देखिए कि ये
क्या कहते हैं इसको, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील है, जबकि केरोसिन पेट्रोल डीजल वगैरह में घुलनशील नहीं है। ओके, बताने को तो मैं जस्ट एक लाइन में आपको कह सकता था कि ये पानी में घुलते हैं और इनमें नहीं घुलते, लेकिन आपको ये छोटी छोटी बातें हैं अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी आयनिक यौगिक जो है गलित अवस्था में है या वो जलीय अवस्था में है उसके साथ, तो इसके अंदर अगर आप ये दो तारें डाल करके और इस तरह से कोई एक बैटरी, एक की, एक बल्ब ये जोड़ दें, ठीक, और की को कर दे ऑन कर दे, तो क्या इसके अंदर अपने अंदर से विद्युत धारा गुजरने देता है कि नहीं गुजरने देता? अगर गुजरने देता है तो इसका मतलब चालक है, गुजरने नहीं देता तो चालक नहीं है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर हम ठोस अवस्था में अगर ये पदार्थ रख देते हैं तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठीक। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर साधारण नमक भर दिया ठोस और उसके अंदर से अगर आप चाहेंगे कि विद्युत धारा गुजर जाए तो विद्युत धारा नहीं गुजरेगी, ठीक है। लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है अगर आप करते हो तो अपने टीचर के ऑब्जर्वेशन में करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पर थ्योरी समझा रहा हूँ। ओके, अब स्टूडेंट पूछेंगे सर कि ठोस अवस्था में क्यों नहीं कंडक्ट करता? ठोस अवस्था में भी तो आयन इसमें होते हैं। अब देखिए कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है यहाँ पर, लेकिन ठोस अवस्था में इनका गमन नहीं हो सकता। जब तक यहाँ पर एक दूसरे के पास चल करके नहीं जाएंगे, जब तक इनकी मूवमेंट नहीं होगी पूरी, इनका गमन नहीं होगा, तब तक ये विद्युत धारा को कंडक्ट नहीं करेगा, विद्युत धारा इसके अंदर से नहीं गुजरेगी। ओके, लेकिन जैसे ये गलित अवस्था में आता है या फिर आप इसको पानी के साथ इसका सॉल्यूशन ले लेते हो तो जो अंतरायनिक बल जो है ये कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ने के कारण जो है ये आयन स्वतंत्र रूप से इसमें से गमन कर सकते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। ओके, अब देखिए कि विद्युत चालकता का जो कंसेप्ट है इसको भी मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया है। ओके, कि किसी विलयन से विद्युत धारा के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है और आयनिक यौगिक को जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जब जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं और विद्युत धारा उसमें से गुजरने लग जाती है। लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है, ठीक। तो इस टाइप से जो है आपने सारा इसमें से पढ़ लेना है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में जो इस टॉपिक के तुरंत बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। अब सोडियम के लिए देखिए कि हम कैसे लिखेंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया मैंने, 11, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया इसका 2, 8, 1। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सिर्फ बाहर वाले कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप इस तरह से डॉट से या क्रॉस से आप दिखा सकते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। और इस तरह से सोडियम लिख करके, सोडियम का सिंबल लिख करके काटा लगा देते हो आप, इस तरह से क्रॉस लगा देते हो तो अब ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ही माना जाता है। और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 6, ठीक, तो इसके बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो
दो, चार और टोटल छः। ठीक, अगर मान लीजिए आप इस तरह से भी कर देते हैं इसको कि दो ऊपर दो नीचे, एक इधर लगा दिया, तो भी ये गलत नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बाहर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उनको इस तरह से बिंदुओं से या क्रॉस के द्वारा दिखाना है। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखोगे तो 2, 8, 10 और 2, 12। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे आप इसके बाहर वाले कक्ष में? दो दिखाओगे, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखा और आपने इसके दो इलेक्ट्रॉन शुरू में दिखाओ, लास्ट में दिखाओ, ऊपर दिखाओ। ठीक है, तो कहीं मर्जी आप किसके चारों तरफ कहीं दिखा सकते हो, एक इधर भी आप दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना बहुत ही आसान है। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O तथा MgO के निर्माण दिखाइए। अब देखिए, सोडियम का तो आपने यहाँ पर सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखूँगा। अब सोडियम का तो ये एक और दो सोडियम के हुए, Na2 है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर वाले कक्ष में कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए कि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो सोडियम क्या करेगा, प्रत्येक सोडियम इसको ऑक्सीजन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक एक इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा कि सोडियम पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर इसने अपने 8 पूरे कर लिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए, तो 2 यूनिट इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे सोडियम पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से Na2O बन जाता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं Na2O। इस तरह से Na2O इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा हम इसका निर्माण दिखा सकते हैं। और MgO तो बिल्कुल आसान सा ही है, मैग्नीशियम का जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई रखा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 की कमी होती है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको दे देता है। जब ये इसके नज़दीक आता है तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, नेगेटिव छोड़ेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर देखिए कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, नेगेटिव लेगा तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा इसके ऊपर, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से MgO जो है वो उसका निर्माण होता है। ओके, अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अपन डिस्कस किए थे कि बहुत अधिक होता है क्योंकि अंतर आयनिक आकर्षण तोड़ने के लिए, इनका अंतर आयनिक आकर्षण जो है बहुत ही मजबूत होता है, और अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक, क्वथनांक भी पूछे तो सेम रीजन आपने देना है। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम धातुओं की प्राप्ति और धातुओं के निष्कर्षण के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग रिएक्टिविटी वाले धातु जो है वो किस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी 23 तारीख से जो है लगातार वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे, मीन्स कि जो आगे 23 अक्टूबर 2019 से जो है आपको लगातार वीडियोस जो है डेली 2-3 वीडियोस मिला करेंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।